बैतूल के दादू ढाना गांव स्थित यह बोरवेल एक ओर ग्रामीणों के लिए जहां जीवन रेखा है, वहीं दूसरी ओर बच्चों के लिए खतरा भी है। यहां आप देख सकते हैं कि किस तरह प्रशासन की लापरवाही के चलते एक साल से यह बोर खुला पड़ा हुआ है, जिससे कि महिलाएं जुगाड़ से पानी निकाल रही हैं। पर बात करें सुरक्षा के दृष्टिकोण से तो इससे कभी भी कोई बड़ी घटना घट सकती है। ग्रामीणों द्वारा इस आशय की जानकारी जिला प्रशासन को कई बार दी जा चुकी है, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हो सकती है। वहीं जब बात मीडिया में आई तो देखिए सरकार के नुमाइंदे इस समस्या का क्या हल निकालते हैं। ये क्या जो कार्य जो किया था कि ग्राम पंचायत कैरपानी का दादू डाना गाँव है, यहाँ पर पीएचई के द्वारा ये कार्य कराया गया था खनन का। उनके द्वारा 600 फीट के करीब बोर कराया गया था और ये उस समय ड्राई था। सूखा होने के कारण उनके द्वारा उसमें मोटर पंप नहीं डाला गया था। बाद में वो जब हेडपम्प डालने भी गए थे तो उनके द्वारा बताया गया कि उसमें किसी ने पत्थर डाल दिए थे, जिसके कारण हेडपम्प भी नहीं डला था। और उनका ये कहना है कि उसमें करीब 10 फीट ऊपर जो पानी है, बरसात का पानी के कारण उसमें जो पानी आ गया है, उसमें से गांव के लोग पानी भर रहे हैं, लेकिन ड्राई होने के कारण उसमें हेडपम्प भी नहीं चल सकता है। वो ग्राम पंचायत ने भी उसको बंद कर दिया था कल, जैसा ही मुझे मालूम पड़ा। वो आज पीएचई से भी चर्चा हुई है, उनकी टीम भी गई है उसको बंद करने के लिए ड्राई होने। सर, उसका ढक्कन बार बार खोल दिया जा रहा है, अगर हादसा वादसा हो जाए बच्चे अच्छा नहीं जाए। ये अब उनको ग्राम वासियों को समझाश भी दी गई, अब वो आज स्थायी रूप से उसको बंद करने गए हुए हैं पीएचई।